अपनी मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के लोग पहुंचे थे सरकार के नाम पर जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए, लेकिन देखते ही देखते कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी को भूलकर पाकिस्तान के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। और ऐसे में यहां शहीदों के हितों में कर्मचारियों ने नारे लगाए तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। हालांकि यह लोग सड़कों पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, जिसमें कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, समान वेतन, पेंशन व कई अन्य मांगों को लेकर यह सड़कों पर उतरे थे। फिलहाल इन लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन तो दिया, लेकिन पाक के खिलाफ इन लोगों ने नारों के जरिए जरूर भड़ास निकाली। वेतन वसंतियां जो 7th पे कमीशन उसको दूर किया जाए, तकनीकी पदों पर 1-1 96 से 4000-6000 का वेतन मान दिया जाए, और सेवा नियमों की जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर संशोधन किया जाए ताकि कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। हम ये चाहते हैं, सरकार इलेक्शन सर पर है, सरकार ने इलेक्शन के आते वक्त बहुत वादे किए थे, कर्मचारियों को लुभाने वादे किए थे, उसमें सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। तभी सभी कर्मचारी सभी विभागों के रुष्ट है, वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो आज उम्मीद रख रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले सरकार पकड़ के ना रहे। अगर झुकेगी सरकार, झुकते उसके सरकार का कुछ नहीं जाता, कर्मचारी उसके साथ उसको वोट देने का काम करेंगे। अगर सरकार अगर के रहती है तो कर्मचारी सड़कों पर आकर आपको पता है उसके साथ नहीं चलेगा। तो हम ये चाहते हैं, ये जो अब संसद का सत्र विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें जो भी हमारा बजट कर्मचारियों का निकलता है बजट हमें दिया जाए, हमारी जो भी लंबित मांगे जो भी है उनको पूरा करने का काम करें, ताकि सरकार पुनः गति पर बैठ सके, नहीं तो गति पर सरकार बैठने का काबिल है। आगे बढ़ चढ़ करके और भी जो हमारे रास्ते हैं हमारे पे जेल बलों दौरान भी कर सकते हैं हम, हमारे पे जो भी कानून के दायरे में जो भी हमारी एक समय सीमा या उसके अनुसार रह के हम अपने कार्य पूरा करेंगे। हम जी जान लगा देंगे अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। सरकार भी तानाशाही बनी हुई कर्मचारियों से टकराने का काम कर रही है। हम सरकार से चाहते हैं सरकार भाईचारे में सौहार्द का वातावरण बना के कर्मचारी लीडरों को बुलाए और बातचीत द्वारा समस्या का हल करें, क्योंकि बातचीत द्वारा समस्या के सभी हल हो जाते हैं। अगर सरकार 2 कदम चलेगी, कर्मचारी 4 कदम कर देंगे तो आज बैठा हुआ है। हम नहीं चाहते सभी मांगे टाइम में पूरी जाती हैं, जो जेन्युइन मांगे हैं उनको तो पूरा करके सरकार अपने आप वाह वाह लूटने का काम करे।